अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है अयोटा स्क्वायर रूट इन की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अयोटा की कीमत हम जानते हैं, अयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है नेगेटिव वन का। अगर इनका बोथ साइड्स स्क्वेयर रूट ले लें तो ये स्क्वेयर अंडर रूट कैंसिल आउट जाते हैं और अयोटा फिर हम लिख लेते हैं कि नेगेटिव वन स्क्वेयर रूट के इक्वल होता है। अब ये जो है अयोटा, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो ये अयोटा स्क्वेयर रूट इनको लेट कर लेते हैं कि इक्वल है ए प्लस बी अयोटा का। ठीक है, अब लेते हैं बोथ साइड्स स्क्वायर, इस साइड से स्क्वायर तो फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो देखो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट जाएंगे और यहां पर रह जाएगा अयोटा इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा का होल स्क्वायर। इनके लिए हमारे पास अल्जेब्रिक फार्मूला है, वो ये है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी, बी का स्क्वायर, तो बी हमारे पास ये है यानी बी अयोटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, दोनों का प्रोडक्ट ए एंड बी अयोटा। ठीक है, सो अयोटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर दोनों के ऊपर हैं बी का स्क्वायर और साथ में अयोटा का स्क्वायर प्लस टू ए बी विद अयोटा। ठीक है, सो अयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव वन का प्लस टू ए बी विद अयोटा। सो अयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी विद अयोटा। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई हुआ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो प्लस अयोटा, क्योंकि ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जीरो जो है ये इनका रियल पार्ट होगा और अयोटा जो है ये फिर इमेजिनरी पार्ट, और इस साइड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी विद अयोटा। अब ये रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इनको इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखो जीरो इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंड इनको नाम देता हूं वन और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। यहां पर इनका कोफिशिएंट जो है वो वन है इज इक्वल टू, और यहां पर अयोटा का कोफिशिएंट है टू ए बी। ठीक है, तो इनको नाम देते हैं टू। अब टू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी को यहां पर रहने देते हैं और टू ए को यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो वन बाई टू ए हो जाएगा इज इक्वल टू बी। तो ये आ गई हमारे पास बी की कीमत। अब यही बी पुट कर लेते हैं इक्वेशन वन में। ठीक है, सो जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी की जगह हमने ये लगाना है वन बाई टू ए का होल
स्क्वायर। सो जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वन के ऊपर है तो वन हो जाएगा और टू ए के ऊपर है तो ये फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनका लेते हैं एलसीएम। देखो जीरो इज इक्वल टू यहां पर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और यहां पर डिनोमिनेटर जो है वो वन है। ठीक है, फोर ए स्क्वायर वन के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वही फोर ए स्क्वायर हो जाता है डॉट ये वाला ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर डिवाइड कर लें एलसीएम फोर ए स्क्वायर के साथ तो यहां पर जस्ट वन हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर ए स्क्वायर इस साइड पर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू फोर यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर ए पावर फोर हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब इनको मैं तरतीब देता हूँ, पहले इनको लिख लेता हूँ फोर ए पावर फोर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये निगेटिव वन इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं फोर ए पावर फोर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, बहुत साइड डिवाइड बाई फोर कर लेते हैं, इस साइड से डिवाइड बाई फोर इस साइड से डिवाइड बाई फोर ये कैंसिल आउट जाएंगे ए पावर फोर हो जाएगा वन बाई फोर। तो बहुत साइड्स पावर लेता हूँ वन बाई फोर इस साइड से पावर वन बाई फोर तो ये फोर और ये कैंसिल आउट जाएंगे यहाँ पर रह जाएगा ए इज इक्वल टू ये होल पावर जो है वन बाई फोर है, वन बाई फोर जब वन के ऊपर हो तो वन हो जाता है डिवाइड बाई फोर पावर वन बाई फोर। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई इस फोर की जगह लिख लेते हैं टू पावर टू एंड होल पावर वन बाई फोर। तो रूल है हमारे पास कि एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। इसके मतलब ये है कि जब कभी किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके कैंसिल आउट हो जाएंगे टू वन द टू 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 द फोर तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू वन बाई टू पावर वन बाई टू। तो इनका हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बोथ साइड्स फोर्थ रूट ली है। तो ये रहा हमारा ए का रिजल्ट। अब देखो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई टू स्क्वायर रूट, इनको यहाँ पर पुट कर लेते हैं ए की जगह तो हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी। तो देखो वन बाई टू ए तो ए की जगह वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव भी है इज इक्वल टू बी। तो इनको भी साफ कर लेता हूँ तो हमारे पास आसानी के साथ वो आ जाएगा। अब देखो वन बाई टू इन टू समथिंग, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई या डिवीजन और साथ में टू इंटू पॉजिटिव नेगेटिव वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस टू की जगह हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू साथ में स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू पॉजिटिव नेगेटिव वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इक्वल टू बी, क्योंकि इस टू की जगह डबल स्क्वायर रूट ऑफ टू लिख लिया। इसका मतलब यह है कि एक स्क्वायर रूट के अंदर टू क्रॉस टू लिख लें तो फोर हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ फोर और टू की इक्वल होता है तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू पॉजिटिव नेगेटिव साथ में इज इक्वल टू
बी। अब देखो वन, और इस डिवीजन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पाँच नेगेटिव टू स्क्वायर रूट है, तो ये फिर इस तरह नहीं रहेगा, ये वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू बी। अब इनके साथ वन मल्टीप्लाई करके वही बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इक्वल टू बी। तो देखो ये रहा हमारा रिजल्ट बी का। अब जिस तरह हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था, तो उसी में यही ए एंड बी की कीमत पुट कर लेते हैं, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। चलिए अब पुट कर लेते हैं। पहले हमने लेट किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ अयोटा ये इक्वल है ए प्लस बी अयोटा का, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास कीमत, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब हम इनको पुट कर लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ अयोटा इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू, प्लस बी की जगह प्लस माइनस वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू विद अयोटा। इनको मजीद लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ अयोटा इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू, और ये पॉजिटिव इनके साथ प्रोडक्ट कर लें, वही पॉजिटिव नेगेटिव वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू अयोटा हो जाएगा। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।